हेलो गाइस, दिस इज आकाश पवार और आज आकाश पवार गाड़ी में बैठा हुआ है। दिस इज किया सेल्टोस, लेट मी शो यू विद द कैमरा। तो दिस इज किया सेल्टोस कार एंड वी आर गोइंग टू गुड़गांव नाउ। आकाश भैया इतनी एक्टिंग में क्यों बोल रहे हो भाई? ये कुछ नया स्टाइल, नया कुछ करना होता है। ये नहीं कि रोज रोज हेलो भाइयों, नया है ये करो आप। नया आपको नया करने का ज्यादा ही शौक है। ये तो छत पे अपने छतरी लेके चल रहे हैं साथ में ही। इससे धूप नहीं लगती। धूप नहीं लगती दूग। हम तो आतन में ले जाए, जाट के आतन में इतना जाता ना, तो एक बंदे ने कहा था मैं गोली मारूंगा तुम में भाई कम्युनिटी में, तो आकाश ने कहा था मच्छरदानी में घुस जाएगा। ओ कितना फनी। हाँ 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 कि हम उस टाइम तूफानी पंखा चला करते थे। तूफानी पंखा वो ऐसे दो वाले जिसमें डंडी सी होती थी वो घूमता था। तो आकाश कह रहा मैं उस तूफानी पंखे को गोली की तरफ कर दूंगा, गोली उसकी तरफ जाके उसकी मार देगी। इतना फनी भाई, मतलब इतना फनी। और अरुण ने पता क्या बोला था, उससे पहले वो हमें मारेगा हम उसको मार देंगे। वाओ, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अरुण इज सो इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। बहुत होशियार है। वैसे यहाँ पे एक ही बात है भैया, हर का ही है। वैसे आजकल लेके जीवी पे यूं एक बात आ रहा कि ये सब यही बात होता है, मच्छरदानी तूफानी पंखा। और मैंने कह दी कैसे कुछ भी कुछ सेंस है यह बात की। हाँ नॉनसेंस। हम पहुंच गए भाई एरिया मॉल में। अब रीजन इसका एरिया मॉल आने का। हाँ जी नमस्कार, जी नमस्कार नमस्कार। अरे वो नमस्कार का ऐसे वीडियो शूट करना रह गया भाई। यहाँ पे चेकिंग होती है जैसे हर मॉल में होती है चेकिंग। अब बॉम्ब अगर हो तो बॉम्ब गाड़ी में हम अंदर रखेंगे, डिग्गी में रखेंगे। तो मतलब मैं डिग्गी में बॉम्ब क्यों रखूंगा? अरे इनके पास कुछ होता होगा जो ये पूरी गाड़ी स्कैन कर लेते होंगे शायद। ये इन्होंने टेक्निक अपनी छुपा रखी होगी, बताना नहीं चाह रहे ये वाली टेक्निक को। ये भाई अब हम लोग जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे बैंकॉक घूमने के लिए। कौन जा रहा है? हम लोग, मैं और अरुण बैंकॉक जा रहे हैं। तो अब बैंकॉक के लिए भाई शॉपिंग करने के लिए आए हैं मॉल में। अब ये समझ नहीं आ रहा कौन से उसमें जाएं। का सामान क्या क्या कौन सा सामान है ना, ये लोइस फिलिप में जाएं या वैन ह्यूसन में जाएं या किस में जाएं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यार ये ही नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। चल पीटर इंग्लैंड में चलें पहले। नहीं और वैसे इनमें बढ़िया है मैक्स में या ट्रेंड्स में। मैक्स में तो फॉर्मल ज़्यादा सही मिले हैं, तो ट्रेंड्स में चल दे। ट्रेंड्स में सारे ब्रांड मिल जाते हैं, कोई दिक्कत ना है। चल मैं तो कहीं से भी ले लूंगा, मेरे को तो सारे कपड़े सूट कर जाते हैं एवरी ब्रांड के। ये लीक ऊपर कहाँ मिलेगा जो तुमने लीक ऊपर पहना? तू पागल है क्या? कितने की टी शर्ट है तो पता है कितने की होगी? अच्छी ना हुई, अच्छी ना हुई, थोड़ी सी मैंने ली ऐसी है फिटिंग की। ओके गाइस स्मार्ट लग रहा हूँ मैं इसको पहन के। अरुण देख मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। मेरे लिए तो यही डिफाइन कर रहा है, मेरे से कह रहा है हेलो हैंडसम। इसने तो मेरा वेलकम कर दिया भाई। लोग अब सबसे पहले आए हैं मैक्स के अंदर, मैक्स में देखने के लिए। यहाँ पे देखते क्या पसंद आता हमको भाई। हमारी सिलेक्शन इतनी तो सही आकर तू अपनी देख, तेरी ठीक लग रही है तेरी सेहत के हिसाब से। मेरे तो ऐसा लग रही है कहाँ कहाँ की मंगती यार। मुझे तो बहुत बुरी लग रही है ये कहती देख देख के भी ऐसा लग रहा है क्या पहन लिया पीट पीट इसमें। नाउ भाई वी हैव कम टू दी पीटर इंग्लैंड ब्रांड। और अब यहाँ पे अच्छा वहाँ से लिया है, हमें दिख रहा है कि तुमने लिया है वहाँ से। लो मेरे को जो आता है वो ले लूँगा ना, ठीक है यही आ जाएगा फिर तो। बटन खोलना है इसके। पीटर इंग्लैंड में तो कुछ पसंद नहीं आया यार, मतलब उनके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अब हम लोग आ गए हैं लाइफस्टाइल में। कैसा चाहिए तेरे को कुर्ती? तो कोई सिलेक्शन होगी? ये हाथ टाइट हो जावे यार जल्दी से, तेरे थाई मोटी हो रखी हैं। ऐसे दिखाओ ये वाला कलर, इससे अच्छा थोड़ा सा इसका लाइट में होता है ना वो ज़्यादा अच्छा। चलो दिखा दो इसको, कोई नहीं मेरे को तो ये वाला कलर सबसे बेस्ट लगता है। ऐसे नहीं है पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा कलर अच्छा लगता है, मेरी ऐसी फर्स्ट चॉइस यही वाली होती है। Let's have the meal, guys. अब भाई फाइनली हम लोग आए हैं ट्रेंड्स के अंदर, और ट्रेंड्स में जाके अब कुछ पसंद आया है। अब यहाँ पे हो रही है बिलिंग, अब जाके ट्रेंड्स में
और यहाँ जाके लिए 4-5 कमीज टी शर्ट और लोवर वोवर। अब जाएंगे बैंकॉक और अब भाई बैंकॉक में धूम मचा देंगे। देखो अब आदमी अपनी बीवी के लिए ऐसे फ़ोटो खींच खींच के ऐसे फ़ोटो भेजते हैं कि बताओ बीवी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा वाला लेके आऊँ आपके लिए। फिर वो वहाँ पे सिलेक्ट करके बताएंगे कि मेरे को ये वाला चाहिए। और हमारी बीवी भी आई है, पतना कहाँ खो रहा कि जन कुर्ता उड़ता और इन सब में जा रहा है। भाई हमारे पैर लाठी हो गए हैं कतई, पर जो ना जो यार जींस लिव ने मारी है यार। ये तो 4 जींस लेनी है, उन 4 जींसन के हमारे पीटर इंग्लैंड इंडियन टेरन लाइफ स्टाइल सब दुकान पे हो आया। एवरेज जींस का 3,000 तो अच्छी तो होनी चाहिए भाई। एवरेज जींस 3 मतलब ऑनलाइन जो जींस ऐसे 2,000 की मिल जाएंगी वो यहाँ पे 4,000-5,000 रुपए। क्या कहना चाहोगे पवार? बहुत लूट भाई, किराया भी तो वसूल रहे हैं। किराया वसूल रहे हैं, आ जाओ प्राइस में भी घुस जाओ। बी वन ही B2 नाखन के अंधे B2 लिख रही है, B1 लिख रही है भैया। पोमो तो ठीक है पर B2 में ये शर्त लगा रहा हूँ तू तो क्यों कहा चीज है सर, होप चार्ज का जुगाड़ है सर। ये भी वाले फोन करते हैं तो ये चले जाते हैं कहीं भी चार्ज करने के लिए, रुपए लेते हैं। अच्छा वो वाले जुगाड़ है, क्या फायदा है इसी ईवी लेने का। कार अराउंड 654 हो गए भाई। कितने हुए भाई जी? 80 रुपए। ठीक है ये लो जी, कैश में पूरे हैं जी 80 रुपए। वीडियो क्यों बनाते हो भाई आप हर किसी की? भाई मैं उनकी वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा था कि कल मुझे बैंकॉक निकलना है, सुबह 10 बजे की फ्लाइट है मेरी और मैं इतनी जल्दी वेक कैसे करूंगा, इट्स 7 और भाई मेरे को जल्दी से स्लीप भी करना है, पैकिंग भी करना है यार। यार कैसे होगा ये सब कुछ, कितना काम है, इट्स सो मच वर्क यार। प्लीज गो फास्ट, ड्राइव फास्ट, आई हैव टू रीच। गो फास्ट क्या होता है भाई? ड्राइव फास्ट, फास्टैग, फास्टैग। तो जल्दी चलो भाई, तो मिलते हैं आप लोगों को बैंकॉक की फ्लाइट में। भाई मजा आ जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड जहाँ जाने का हर किसी का सपना होता है। वैसे तो परमिशन घर से इतनी जल्दी मिल नहीं रही थी, परमिशन लेने के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ मतलब कहाँ कहाँ से अप्रोच लगानी पड़ी, कहाँ कहाँ से। भाइयों को अप्रैल फुल तो नहीं बना रहे हो? क्योंकि मैंने सुना है आज मार्केट में वो चल रहा है अरुण, अप्रैल फुल जैसा कुछ है नहीं क्योंकि मेरा आज व्लॉग नहीं डलेगा, 2-3 डेज के आफ्टर में डलेगा। आप तो बहुत लेट डालते हो क्योंकि आपका बहुत ज्यादा स्टॉक होता है। स्टॉक तो बहुत ज्यादा होता है भाई, ऐसे हफ्ते भर के बाद का थोड़ा डाल के चलता हूँ। मार्केट में किसी को कंपटीशन नहीं डेली व्लॉगर्स को ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। डेली वाले बहुत है भाई, जो डेली डेली ऐसे पूरे दिन करेंगे शाम को डालते हैं, पूरे दिन करेंगे शाम को डालेंगे, फिर रात को कैसे करूं, रात को भी तो कॉन्टेंट निकल जाते हैं कई बार, जैसे कई बार तो कहीं भागना पड़ेगा। फिर सब थाईलैंड है वो एकदम प्लान बना, तो आपको बताना पड़ेगा ना इंस्टेंट।